एक तरफ टिड्डी दल परेशानी बना हुआ है तो दूसरी तरफ कोरोना। ऐसे में सवाल यह है कि कोरोना की वैक्सीन कब बनेगी। दुनिया भर की निगाहें इसी मुद्दे पर टिकी हुई हैं। इसी बीच भारत ने इस प्रेशर को कम करने की कोशिश की है। भारत में वैक्सीन की रिसर्च कहां तक पहुंची और कब तक लोगों को राहत मिलेगी, इसके संकेत मिले हैं। और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह का फ्रंटियर फोर्स तैयार किया है, इस रिपोर्ट में देखिए। आजकल लोगों के कान बस एक खुशखबरी सुनने के लिए तरस रहे हैं, और खुशखबरी है कब कोरोना की वैक्सीन आएगी, कब कोरोना दूर होगा। तो एक बात जान लीजिए, कोरोना की वैक्सीन के लिए दुनिया भर के देश 100 मीटर वाली स्प्रिंट रेस की तरह भाग रहे हैं। हर कोई उस आजमाइश में जुटा है जिससे कोई खुशखबरी मिल जाए। तो आपको बता दें कि दुनिया भर के देशों को भारत से बड़ी उम्मीदें हैं। वैक्सीन बनाने में आमतौर पर 10 से 15 साल का वक्त लगता है, लेकिन कोरोना काल में ये वैक्सीन बनाने का काम एक साल के अंदर वैज्ञानिकों को पूरा करना है। इतना ही नहीं, एक वैक्सीन को बनाने में 15 से 23 अरब रुपए की लागत आती है, लेकिन कोरोना से हो रही लाखों लोगों की मौत के प्रेशर ने इस बजट को 150 से 222 अरब रुपए तक पहुँचा दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि भारत सहित दुनिया भर के वैज्ञानिकों पर कितना प्रेशर है। इसीलिए भारत ने बहुत बड़े स्तर पर वैक्सीन बनाने के लिए फ्रंटियर फोर्स तैयार की है। इसमें ICMR, CSIR, NIPER, DBT, IIT, IIS, NIV, AIIMS, PGIMER और भारत का फार्मा सेक्टर एक साथ काम कर रहे हैं। कुछ लोग एक फ्लू वैक्सीन के बैकबोन में कर रहे हैं, वो लगता है कि वो लेट प्री क्लिनिकल स्टेजेस में हैं। अभी लगता है कि अक्टूबर इस साल तक वो प्री क्लिनिकल स्टडीज हो जाएगी, कुछ और फरवरी 2021 में एक प्रोटीन बना के तैयार रहे हैं। और कुछ स्टार्टअप्स हैं, जैसे हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में और दूसरे जगह स्टार्टअप्स हैं जो बड़े कंपनी के साथ यहां और बाहर कोलैबोरेट कर रहे हैं और वैक्सीन बना रहे हैं। कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए इस समय देश के 30 बड़े ग्रुप काम कर रहे हैं, जिसमें से 20 ग्रुप वैक्सीन बनाने में एडवांस स्टेज में पहुंच चुके हैं, जबकि पूरी दुनिया में इस वक्त 100 से ज्यादा वैक्सीन पर काम चल रहा है। यानी वैक्सीन बनाने का एक बहुत बड़ा दारोमदार भारत के कंधों पर है, लेकिन पूरी तैयारी के बाद अगर वैक्सीन असरदार साबित नहीं हुई तो सारी मेहनत बेकार होने का खतरा भी बना रहता है, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा होती है। साधारणतः वैक्सीन 10 to 15 years इट टेक्स और कॉस्ट होती है 200 या 300 मिलियन डॉलर। अब हमारी कोशिश है कि जो 10 साल लगती है उसको एक साल में करना चाहते हैं।